जय हिंद दोस्तों। कल जैसे बताए थे कि ए और लास्ट वाला सी या फिर ए और अनुपात डी कैसे निकालना है, आज देखिए हम सब बताएंगे ए बी सी डी सब निकालने के लिए। जैसे मान लो कि ए अनुपात बी बराबर दिए हुए है 2:3 मान लिया जाए, और बी अनुपात सी बराबर दिए हुए है 4:5, और पूछ दिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, तीने को रहवे करें, कहे अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो तीन गो वाला तो फिर भी आसान है, अगर तीन गो है तो आसान है, तब भी टफ नहीं है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी की अगर बात करें तो ये 4:5 है, ये तो तब भी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यही सिर्फ करना होगा कि यहाँ बी और यहाँ बी दोनों बी को एक जैसन कर दो। एक जैसन करने का मतलब है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 4 गुना कर दो, यहाँ भी 4 गुना कर दो, और वो वाला जो 3 है ना वो 3 से नीचे गुना कर दो, 3 से नीचे गुना कर दो। तो यहाँ हो गया बी 12 और यहाँ भी हो गया बी 12, अब एक जैसन पे ए वैसन सिचुएशन में हो जाएगा 8, अब बी तो खैर 12 और सी इस सिचुएशन में हो जाएगा 15। तो ये तो आसान है, ये बहुत आसान था। चलो अगर आसान है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखें इस बार ए बी सी है तो यहाँ से हटा दिए इसको, और ए बी सी की जगह पे कुछ और बैठा देते हैं। ए अनुपात बी इस बार दे दिया गया, ए अनुपात बी 6:7, और बी अनुपात सी 7:8। अब फिर से वही सब सीरीज की ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो सिंपली ए अनुपात बी कितना है भाई 6:7, और बी अनुपात सी कितना है 7:8। तो बहुत अच्छा है, बी और बी दोनों जगह मिलिए तो रहा है, तो अगर मिल रहा है तो ए हो गया 6, बी हो गया 7 और सी हो गया 8, बिना बनेले ही बन गया, इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ये तो बहुत ही आसान था। अब ए बी सी हटाकर अगर एक्स वाई जेड दे दे तब भी कन्फ्यूजन है। हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उबियाना मत। आप सोच रहे होंगे 4 रहेगा 5 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कुछ मिनट तो टाइम दो। हम आपसे घंटों के टाइम थोड़ा मांग रहे कि घंटा टाइम दीजिए, आप कुछ मिनट रुको, आप वो भी मिलेगा। एक्स अनुपात वाई बराबर 4:5, और वाई अनुपात जेड बराबर 6:7। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 4:5 को वाला भी मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ मिनट बर्दाश्त करना है। ये नहीं कहते घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा, ना यार 2-3 मिनट रुकिए ना, वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल एक्स अनुपात वाई बराबर 4:5, और वाई अनुपात जेड बराबर 6:7। प्रॉब्लम ये है कि वाई वाई अगर सेम है तो फिर ये नंबर का एन सेम है, तो इसमें 6 गुना कर दिए तो यहाँ 6, और ऊपर वाला जो 5 है उससे यहाँ गुना कर दिए, अब सेम हो गया, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, लेकिन वैसन सिचुएशन में एक्स हो गया 24, कोई बात नहीं चलेगा, वाई हो गया 30 चलेगा, और ये जो जेड हो गया 42 तो दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, 3 वाला तो बनिए जा रहा है, 4 वाला बताइए ना, ए बी सी डी रहे काहे लो भी आ रहा है, फिर 3 मिनट तो होवे किया, हम कौन मार आपका 3 घंटा ले लिए हैं। और देखो फिर क्लास के बीच में ही बोलते हैं कि 3 मिनट आप खाते वक्त या खा के उठते उठते भी देखिएगा, 3 मिनट में तो आपको एक टाइप समझ में आ जाएगा। आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले या जैसे ही उठे वैसे ही 2 मिनट के लिए आप देख लिए ना एक टाइप कंप्लीट, सोते वक्त एक टाइप देख लिए कंप्लीट, जब कभी भी जैसे आप रील्स देखते हो ना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको देख लेना। फिलहाल 2-3 मिनट अगर हम ये बोलने में बर्बाद करेंगे तो पढ़ाएंगे कब, क्योंकि क्लासे तो बहुत छोटा रहता है। बताना ये था कि मान लिया जाए ए अनुपात बी दे दिए 2:3 मान लेते हैं, और बी अनुपात सी दे दिए 4:5, और सी अनुपात डी दे दिए हैं 10:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें, यही आपके मन में चल रहा था।
देखो बाबू, आपसे क्या बोलते हैं, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि वे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को बोलो कि एक दो मिनट देखने में कुछ जाता नहीं, कभी भी आप जब भी टाइम मिले देख लीजिए, ठीक है। आप इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्लास करते हैं, इसको भी देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा अगर शेयर करते हैं आप उन लोगों को, तो अच्छा लगेगा, लोगों तक अगर पहुंच होगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, जो हम 4 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं वो टाइप कम से कम हम कुछ मिनट में सीख सकते हैं। अब मिनट के लिए MBA भी आपका नहीं जाएगा। फिलहाल ए अनुपात बी लिखते हैं, ए अनुपात बी कितना है, 2:3। बी अनुपात सी की अगर बात करें तो बी अनुपात सी कितना है, 4:5। और सी अनुपात डी की अगर बात करें तो सी अनुपात डी कितना है, 10:9। आराम से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बस 5 सेकंड 10 सेकंड खाली क्वेश्चन देख लीजिए कि ए अनुपात बी यही दे ले है ना, 2:3, हाँ दिए, बी अनुपात सी यही है ना, हाँ ठीक है, सी अनुपात डी यही है, हाँ एकदम सही है। अब निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल जाएगा। करना क्या है, अब पहले वाला सिचुएशन आपको याद होगा ना कि अगर ए अनुपात मतलब ए निकालना होता था या डी निकालना होता था तो क्या करते थे कि इधर वाला सभ्य गुना इधर वाला सभ्य गुना, पिछला क्लास में तो याद ही होगा। तो फिर अगर ए निकालना है तो पहले तो सब गुना कर दो, गुना कर दो, 2 काटना नहीं गुना कर दो 2 4 10 सब गुना कर दीजिए। सब गुना उना करोगे तो पता है कितना आ जाएगा, 80। गुना कर लेना, गुना कर तो लो, 2 4 8 10 80। अब क्या करो, अब इसको छोड़ो और इसके बगल वाला से एकर गोतिवा के बोला, आ जा यार 3 6 12 10 12 10 20 से। अब फिर से इसको भी छोड़ो, अब दोनों इधर से 3 5 15 अब 15 10 150। अब तो इसको भी छोड़ो, तो अब क्या रहा, अब तीनों इधर वाला चलेगा, 5 3 15 अब 15 9 35 से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये वाला सब काटता है, शुरू में नहीं काटना, गलती से भी शुरू मत काटना, कितना होता है जे काट देता है 5 2 10, वो इत्तेफाक है कि कभी कभी आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं काटिएगा, बाद में काटिएगा। सब 5 से काटे वाला, ई कटेगा 16 5 80, ई कटेगा 24 5 20 से, वो भी 5 से काटेगा 30 5 150, और वो 5 से काटेगा 27 5 35 से। तो सब कट के जो फाइनली आंसर आया वो 16:24:30:27। आप समझ गए होंगे क्या किए, ए निकालना होता तो शुरू वाला गुना, डी निकालना होता तो अंतिम वाला गुना, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना कि शुरू वाला तो गुना कर ही दिए, फिर धीरे धीरे छोड़ते जाना, एगो छोड़े और उसके बगल वाला को उठाएं और 3 6 12 मतलब ऐसे, फिर इसको भी छोड़ें और फिर इन दोनों को उठाए, फिर यहाँ से और फिर तीनों को छोड़ दिए, उधर गुना कर दिए। तो अगर चारों निकालना होगा ए बी सी डी तो इस तरह से निकलेगा। फिलहाल क्लास 5 मिनट 7 मिनट के रहता है तो हम 5 7 मिनट में आपको क्या पढ़ा सकते हैं, ये सब जो है ना बड़े बड़े टीचर लोग 1 घंटा 1.5 घंटा तक पढ़ाते रहते हैं, और हम तो उनके सामने बहुत छोटा है, मेरा चैनल छोटा, क्लास भी छोटा, और अभी स्टार्टिंग भी किए हैं तो थोड़ा सा छोटे छोटे हम पढ़ा रहे हैं। अगर बड़ा बड़ा वीडियो चाहिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को कम से कम लाइक कर देना, और ज़रूरतमंद लोगों तक जो पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के, आप बड़े बड़े बैच पढ़ते हैं, बहुत लंबा लंबा क्लास करते हैं, तो 2 मिनट अगर उसमें ऐड भी कर लोगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर अच्छा लगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो देखना, नहीं तो फिर छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।